जब भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात होती है या फिर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है तो वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन कानपुर में एक सिपाही के ऊपर ही आरोप लगाया है। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि रवीन सिंह नाम का सिपाही जो कि पुलिस लाइन में तैनात है वो एक महिला के साथ रहता है और लगातार उसका उत्पीड़न भी कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का ये भी आरोप है कि उसने जान से मारने की कोशिश करी है उसके पति ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला है जिसका नाम सूफिया परवीन है वो लगातार इस बात के लिए उसके पति को उकसाती है कि उसको छोड़ दो और मेरे साथ रह लो और इसको जान से मार के इसको रास्ते से हटा दो। क्या है पूरा आरोप, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। मामला ये है, मेरे पति हैं जो क्या नाम पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे, तो उन्होंने मतलब कि दूसरी शादी कर रखी है, जो क्या नाम उसका उस लड़की का नाम है सूफिया परवीन उर्फ शिवा परवीन उर्फ अकीरा, ये उसके नाम है, जो क्या नाम चमनगंज की है, उसका मकान नंबर 365 है, मतलब 115/300 मतलब इतना है, तो उसके साथ में यही रह रहे हैं। और मेरी शादी 2014 में हुई थी, तो 9-10 साल से मेरे साथ रहे। एक साल पहले मुझे पता चला इनका मैटर, और मेरे बच्चा भी 9 साल के बाद हुआ, तो 12 दिन का मेरा बच्चा छोड़ के उसी के साथ में रह रहे, ना कमरे पे आते हैं ना कुछ करते हैं, ना कोई रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी नहीं पूरी कर रहे, और जब भी आते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस पे रहती है हमेशा, तो वो ये कहती है इसे मार डालो कुछ भी कर डालो कम से कम ये रास्ते का कांटा हट जाए तो कम से कम हम दोनों अच्छे से रहने लगें। तो जब भी आते कभी कम से कम 3 बार तो उन्होंने जान से मारने की कोशिश की हमेशा, तो एक बार तो फांसी लगाने की और एक बार बाइक चढ़ा दी पैरों पे और एक बार आग लगाने की कोशिश की, तो कैसे भी मैं बच गए, तो अभी भी उन्हीं के साथ रह रही हूँ उस महिला के साथ। गई थी, क्या कहा क्या कहा, अभी देखो क्या कार्रवाई होती है, देखे तो आए हैं पर मुझे तो 1 साल हो गया भागते भागते, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाई है आपने आपके परिवार ने? लगाई है, अब देखो क्या पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा, क्या कहा है आपने, क्या मांगे की है, क्या मांगे रखी है आपकी मुख्यमंत्री से गुहार? मांगे ये रखी है कि मतलब कि ये हिंदू धर्म की जो हानि हो रही है, जो धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बन रहे हैं, कम से कम उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाए, मेरा परिवार बच जाए, ये की है। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे और क्या करेंगे, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो, तब ये लोग कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, क्या करेंगे, 1 साल हो गया मुझे भागते भागते। आप किन किन अधिकारियों से मिली कानपुर में? कानपुर में इतना तो ADG वगैरह से मिले जो होते, अब इतनी मुझे जानकारी नहीं, पर हर किसी अधिकारी से मिले, यहाँ की महिला थाने में भी चला है, परिवार परामर्श में भी चला है, वहाँ पे भी इन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ में। कहाँ पे तैनात है वो? अभी तो वहाँ पे जाजमऊ थाना में, पर 14 जून को एप्लीकेशन दी थी तो वो लाइन हाजिर हो गए हैं अभी तो, और इस कोतवाली में भी मैंने दी थी, सब जगह मैंने दी, 1 साल हो गया मुझे भागते भागते, पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी। ठीक है, चूंकि मामला पुलिस से संबंधित है इसलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और अगर सिपाही दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। क्या कहते हैं आला अधिकारी, चलिए आपको वो सुनाते हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी के संबंध में उसके परिवारीजनों ने, विशेषकर उसकी पत्नी के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक प्रारंभिक जांच ACP लाइन के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही उस आधार पर आरक्षी के विरुद्ध जो आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि परिवार किसी प्रकार के आपराधिक घटना के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत कराना चाहता है तो उस संबंध में भी आगे की कार्रवाई जाँचों उपरांत की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में कुछ वीडियो और फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें एक तरफ सिपाही अपने परिजनों के साथ जाति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तरफ एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें कि वो अपनी पत्नी के साथ एक टेबल पर खड़ा है और उसमें फांसी लगाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, ये तो तभी पता चल पाएगा जब पुलिस के आला अधिकारी इसकी जाँच करेंगे और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये पता चलेगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो सिपाही की पत्नी है उसने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।